बालक लायो रे, अरे खांड खोपरा गिरी चुआरा, खांड खोपरा गिरी चुआरा, अपुल दावण अपुल दावण आयो रे, मारा नटवर कभी तक काको लगे एक एक का भगत का नाम गिनाते रहे और मैं गिनाती गई तो घड़ी बहुत बज रही है, इसलिए मैं जल्दी से बता देती हूँ। भिलड़ी काई थारी भुआ लागे, भिलड़ी काई थारी भुआ लागे, जिन रो जूठन खायो, ऊंच नीच की शंक न मानी, ऊंच नीच की शंक न मानी, रुच रुच भोग लगाया रे, रुच रुच भोग लगाया रे, अरे कर्मा काई थारी काकी लागे, क्या गिनाए देना का गिन गिन का एक एक भक्तों का नाम लेकर के, पहले तो इतने रो रहे कर्मा काई थारी काकी लागे, कर्मा काई थारी काकी लागे, जिनडो की चढ़ खायो रे, जिनडो की चढ़ खायो रे, अरे धावलियारो पढ़ दो कर, हो धावलियारो पढ़ दो करती, रुच रुच भोग, अरे एक देखिएगा रुच रुच भोग लगा रहा है, रुच मीरा काई थारी मासी लागे, मीरा काई थारी मासी लागे, जिनडो बिफेडो जारियो, उनका तो विष चला दिया। देखो एक एक भक्त कितना सुंदर ये चित्रण है, आप चित्रण सोचिए कि जब भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तो जैसे आपने कहा कोई बच्चा जाता है कहता मुझको जरा 100 रुपया दीजिए, आपने उसको दिया, आपने उसको दिया, आपने उसको दिया, आपने उसको दिया, मुझको भी दो, होता है ना, वैसे ही भक्त की नारा, आप उसके ये किया उसके ये, मेरे समय क्या हो गया, बाल अब समझ गया कि मीरा का विष अमृत क्यों किया, बाल भोगरो भूखो बाला, भोग चाहिए, बाल भोगरो भूखो बाला, खोस खा गयो बोर रे, खोस खा गयो बोर रे, अरे नानी बैरो मारो भरता, नानी बैरो तन्ने लागे जोर रे, तन्ने लागे जोर रे, अब समझ गया मैं, आपको दिन भर सबने भोग लगाया तो तू सबका कर रहा था, और क्यों मेरे यहाँ नानी भाई को मायरे भरता क्यों जोर आ रहा, अरे जीवन को जिमड़ारो रे बाला, ओ जीवन को जिमड़ारो रे बाला, फिर सारा काम रे, फिर सारा काम रे, जीम तो सबका काम सार तो रियो है ना, क्योंकि तने जीमन न मिल गयो फिर सारा काम रे, नानी बाईरो मायरो भरता, नानी बाईरो मायरो भरता, घर सो लागे दाम रे, घर सो लागे दाम रे, ओरे मारा नटवर नागे दाम लागे भाई, ये बात तो तू नहीं आ रही है क्योंकि नानी भाई को रे आयो रे। अब नरसीला कहे कि मैं समझ गया, अब सब सुना करके नरसी जी को एकदम बहुत जिसको बोलते ना कि झुंझल आने लग गई, रोष आ गया और बोले अब घर से दाम लग रहे ना इसलिए तो नानी भाई का मायरा भरने नहीं आ रहा, कहे नरसीलो सुन सावरिया, कहे नरसीलो सुन सावरिया, आनो है तो आग रे, आनो है तो आग रे, अरे ब्याही सगा में भूंडा लागा, ब्याही सगा में भूंडा लागा, यूं कई लाज गमा, अरे यहाँ कई लाज गमावे रे भाया, थोड़ो तो समझ, ब्याही सगा में आपा भूंडा लागा, तू तो इतना समझे ना, जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आया रे,
क्यों नहीं आयो रे। सबके नाम गिना दिए, सब कुछ हो गया। सब कुछ गिनाने के बाद आगे देखे, पीछे देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, कहीं से रथ की आवाज नहीं आ रही, कहीं से नरसीला दिखाई, नरसीला को ठाकुर दिखाई नहीं पड़ रहा। अब बोले सांवरिया किसे दिसावर घाटो, थारे किसे दिसावर में घाटो पड़ गयो, आ गए तो तू आव तो रे बाला, अब कहीं पड़ गयो घाटो। नामदेव था रंगरा धोतिया, अब इसमें भी वापिस सब संतों को नामदेव जी बकबक मारी, जीभ दुखाई, ढल भाई ने भट्टो, अब रीस कर रहे हैं। रीस कहे ना जी ना, कैसे होता है कि रीस आ जाती है कि मैंने कहा और उसके बाद भी नहीं किया। बोले हाँ नामदेव जी के गया, इसके गया, मैंने देख लिया तू एक नंबरी, जो कहते ना तू 10 नंबरी। बोले इतना सुनाया भगत झूठो है तू, तू थारो जिबड़ा ने काठो कर कर ले लियो, अरे मैं सिमरू तो भर मारो, कर लो तू आटो साटो, चल आटा साटा कर ले। बोले आटा साटा कैसे, नहीं अगर मायरो भरना तो आटा साटा कर ले, मैं इतने दिन तक तेरे को सिमर रहा हूं, उसके बदले में मायरा भर जा, आटा साटा कर ले। जय हो, क्या बात है, आटा साटा कर ले, हूं तने सिमरू तू भर मायरो, कर ले आटो साटो। भणे नरसीले सुन सांवरिया, यो जस क्यों नहीं लाटो, ओ जस क्यों गमावे, तन इतो बोल रही हो मुंह, यो जस मत गुमा सांवरिया, आटो साटो कर ले, थार कने नहीं भर का दाम लागे, नहीं भाईरो भरन ना हुए तो आटो साटो कर ले, कि मारो भगत मन समय दियो। क्या दिया, जैसे हम किसी को कुछ देते हैं तो आप भरे बराब पीछे में कुछ देते हैं, तो मैं इतो जीवन भर तने पुकारियो, जिको मैं तने सिमरियो, जिको सिमरन तू थारे जगह रख ले, तू मारो मायरो भर जा। फिर भी नहीं, देखिए नरसी जी की एक एक संत की एक एक भक्तों की धैर्य की परीक्षा लेते हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि शरणागत भक्त को इतना सताते क्यों है, बिल्कुल सही कहा, सताते क्यों है, इसलिए सताते हैं कि हम लोग संसार को देख करके कितनी जल्दी, हमारे जो हृदय है वो इतनी जल्दी संसार की तरफ चला जाता है, कितना धैर्य रख सकता है संसार की तरफ, जिसका चेहरा ना हो करके वो भगवान की तरफ ही केवल देखने वाला हो, तब भगवान उतनी परीक्षा नहीं, उतनी भर भर भगवान उसकी धैर्य की परीक्षा लेता है, परीक्षा नहीं लेता कि कितना वो धैर्य रखता है। उतना धैर्य रखने के बाद जैसे कहते हैं कि पहले वो सिमरता है, संसार के लोग जब संसार की चीज मांगते हैं तो भगवान उसकी भर देता है, इसलिए कि जो मेरी तरफ आता है, हे उद्धव जी को कहा, हे जो मेरी तरफ आता है उसको मैं प्रतिकूलता देता हूं, प्रतिकूलता देता हूं, क्योंकि मैं मेरे लायक बनाता हूं, और जो संसार मांगता है उनको मैं सब अनुकूलता देता हूं, जो तमोगुण मानता है उनको एक की जगह दो देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो आगे फिर कितने ही योनि में जाएगा, कोई गिरगिट बनेगा, कोई बैल बनेगा, कोई कुछ बनेगा, इसलिए लो तुम्हारे मन के, ले पैसा खर्च, ले सब चीज करो, तो उसके बाद उनके भगवान की जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें कर्मों का वापस भुगतना पड़ेगा। लेकिन शरणागत भक्त की सबकी कर्मा की रेख काटनी पड़ती है, तो वो कर्मा की रेख, एक दफे किसी ने, मैं भी किसी को पूछी थी, मैंने कहा मधुसूदन दास जी ने 12 उन्होंने वो यज्ञ किए, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। बोले गोपाल जी प्रकट होते हैं, प्रकट ही नहीं हुए। बोले जाओ मैं तो अब करता ही नहीं, प्रकट ही नहीं, तो बाद में कहा पीछे देख। बोले 13वां कर लो भाई, 13वां कर लो, किसी तरह उन्होंने 13वां किया। तो बोले पीछे देख, तेरे 12 जन्म के कितने बड़े पहाड़ को मैंने काटा है, तब मैं प्रकट हुआ हूं। तो ऐसे ही जो शरणागत भक्त होते हैं, उनके कितने जन्मों को काटना पड़ता है, कितना धैर्य देना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है, जितना वो पुकारता है उतने उतने उसके कर्म कटते चले जाते हैं, उतने उतने कर्म उसके कटते चले जाते हैं। जय हो, जय हो, जय। इसलिए शरणागति की भक्त की कभी हम परीक्षा नहीं ले सकते। कल भी मैंने बताया था कि भक्तमाल की जब कथा नाभाजी लिखने लगे तो बोले मैं भगवान की कथा लिख सकता हूं, पर भक्त की कथा मैं नहीं लिख सकता हूं। तब उन्हें ये आज्ञा हुई कि जिस भक्त की तू कथा लिखेगा उस भक्त का चरित्र तेरे हाथ से लिखी जाएगा, वो भक्त उस पे आकर के चरित्र लिखेगा। इसी तरह से भक्तों का चरित्र ये लिखा जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया ला, बोले भक्त और भगवान की जय। नाई कीर कसाई, वापिस उन्होंने सब भक्तों की बात गिनाई। नीच निवाजन कारण तो ही पड़ी है बाण, एक बिना मन ताण दे नरसी निर्धन जान। पहले तो गुस्सा हुआ, फिर पुकारा, फिर सब किया, अब नरसिंह के, अरे भाया जैसे किसी को मनाते हैं ना, अरे निर्धन जानकर दे दियो,
इसको नरसी निर्धन जा मोए भरोसो बाप जी जगतारण जगदीश, मोए भरोसो बाप जी जगतारण जगदीश, नानी भाई रे माए रे आशो विश्वास। अरे भरोसो थारो रे, मोए भरोसो थारो, तू मत इसो कर, मारा भरोसा ना मत बिगाड़। सब प्रकार से नरसिंह जी पहले रोए, फिर पुकारे, फिर भरोसा गिनाया, फिर रोष किया, फिर भक्तों की बात गिनाई। जब इतना अधिक कर लिया और उसके बाद कहीं तन मन की सब जान मो पे टको न दाम। अरे सांवरिया, अंदर की बात तू और मैं समझ लेवा, हर पास टको नहीं दाम नहीं, लक्ष्मी सहित पधार जो सकल सुधारण काम।